नमस्ते भारत, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे चेक्स वर्ल्ड। तो सावन का मौसम चल रहा है तो हर कोई फास्ट रख रहा होगा, तो इसीलिए आज हम सीखेंगे साबूदाना खीर बनाना। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साबूदाना खीर बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक बाउल के अंदर साबूदाना निकाल लेना है। यहाँ पे हम बारीक वाला साबूदाना का इस्तेमाल करेंगे। अब हमें यहाँ पे बड़ा बाउल लेना है। बड़े बाउल के अंदर हम साबूदाना डाल देंगे। उसके बाद साबूदाना के अंदर हम आधा ग्लास पानी डालेंगे। उसके बाद साबूदाना को हम 2 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। अगर आपको गुड़ के खीर की रेसिपी जानना है तो मैंने इस वीडियो के ऊपर आई बटन में लिंक डाल दिया, नहीं तो आप मेरे चैनल पर भी जा कर के देख सकते हैं। 2 hours later. साबूदाना खीर बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक बड़े बाउल के अंदर हम दूध निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने दूध में लिया है 1/2 लीटर दूध। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमने साबूदाना सोख किया था वो हम एक बाउल में निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें मूंगफली लेना है जिसे हमने पहले से ही रोस्ट कर रखा है। उसके बाद हमें यहाँ पे लेना है 1/2 कटोरी चीनी। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम 4 यहाँ पे इलायची लेंगे। अब हम यहाँ पे ग्राइंडिंग जार लेंगे। ग्राइंडिंग जार के अंदर हम 1/2 कटोरी मूंगफली जो हमने पहले से रोस्ट किया था वो हम ग्राइंडिंग जार के अंदर डाल देंगे। उसके बाद 4 इलायची डालेंगे। उसके बाद हम इन सभी को ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे अब हमारा मूंगफली का फाइन पाउडर बन करके तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पे पतीला लेंगे। पतीले के अंदर हम 1 बाउल दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद हम इसके अंदर साबूदाना डालेंगे और दूध को बॉईल होने देंगे। यहाँ पे अब हमारा दूध जो है वो बॉईल हो चुका है। अब हम दूध को हिलाएंगे। उसके बाद दोबारा से अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम दोबारा से दूध को स्टर करेंगे और मलाई ना जमे इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अब हमारा साबूदाना जो है वो पकना शुरू कर चुका है। अब हम दूध को दोबारा से स्टर करते रहेंगे। अब हम दूध के अंदर हम मूंगफली का पाउडर डालेंगे। हम सबसे पहले 1 चम्मच मूंगफली का पाउडर डालेंगे। दोबारा से हम दूध को स्टर करेंगे। दोबारा से हम यहाँ पे 1 चम्मच मूंगफली का पाउडर डालेंगे। उसके बाद दोबारा से हम दूध को स्टर करेंगे। हम इसलिए ऐसा करेंगे जिससे दूध के अंदर मूंगफली के लम्स ना बने। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मूंगफली का पाउडर दूध के अंदर डालने के बाद हम दोबारा से दूध को स्टर करेंगे। उसके बाद दूध के अंदर उबाल आने तक वेट करेंगे। यहाँ पे अब दूध में से उबाल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर चीनी डाल सकते हैं। उसके बाद दोबारा से हम दूध को स्टर करेंगे। ड्राई फ्रूट्स में हम यहाँ पे थोड़े से काजू और थोड़े से किशमिश लेंगे। यहाँ पे अब हमारा चीनी जो है वो मेल्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। उसके बाद दोबारा से हम दूध को स्टर करेंगे। 2 मिनट स्टर करने के बाद हम यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और यहाँ पे हमारी जो दूध की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो बिल्कुल इतनी ही होनी चाहिए, इससे गाढ़ा हम दूध को नहीं करेंगे। यहाँ पे अब हमारा साबूदाना खीर बन करके तैयार हो चुका है। व्रत के लिए आप ये साबूदाना खीर बना करके ज़रूर ट्राई करें। आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हर दिन नई नई वीडियो लेकर के आती हूँ तो चैनल पर बने रहे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।